हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक नए तरह की मिठाई बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए, इसके लिए ली है मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे घी। तो देखिए, ये 2 स्पून मैं इसमें घी डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा घी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा भी आप इसे हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पर जिस टाइप पर आप बनाना चाहो उसी तरीके से बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 गिलास दूध डाल दूँगी, और दूध और घी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने दूध को और घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसी कंडीशन में इसमें जाएगा मिल्क पाउडर। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आंगनवाड़ी के मिल्क पाउडर से यह रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डाल दूँगी। तो ये 1/2 kg मिल्क पाउडर है, जो आंगनवाड़ी से पैकेट मिलता है वहीं लिया हुआ मैंने, आप देख सकते हो। और अब इसे अच्छे से दूध में मिक्स कर दूंगी। तो देखिए, मैं इसे हिला हिला कर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जो इसमें हल्के हल्के लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जितना आप इसे हिलाओगे उतना ही यह अच्छा और सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार होगी आपकी। तो देखिए, आपको रेगुलर इसे हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हो हमारी मिठाई बिल्कुल रबड़ी जैसी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसे आपको बिल्कुल मिठाई जैसी कंडीशन में लाना है, तो इसके लिए आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया लगती है। जो आप हलवाई से मिठाई लेकर आते हैं बिल्कुल वैसी बनती है। और कमाल की बात तो यह है कि यह बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। जैसे कि आप दूध में मिठाई बनाते हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर से ये मिठाई बनाएंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी। इसमें 15 से 20 मिनट में यह मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी। आपको इसे हिलाने से बिल्कुल बंद नहीं होना है। अगर आप इसे हिलाना बंद कर देंगे तो नीचे की तरफ लग जाती हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर की मिठाई इसी प्रकार नीचे की तरफ चिपकती बहुत जल्दी है। और कमाल की बात यह है कि इसमें मीठा भी साथ में ही आता है। मैं इसलिए इसमें चीनी वगैरह या फिर बूरा कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारा पैकेट आता है उसमें मीठा पहले से ही अवेलेबल होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन यह बिल्कुल मीडियम मीठा होता है, इसलिए मैं इसमें और मीठा बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हो धीरे धीरे हमारा यह मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो देखिए, ये बिल्कुल मिठाई की तरह बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयार हो गया है। तो इसी कंडीशन में आप इसमें डाल दीजिएगा 1 चम्मच घी। ये मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। इसमें काफ़ी चिकनाहट आ जाएगी और यह ज़्यादा चिपकेगी नहीं। पहले में और अब में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है इसमें, आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में आप जब मिल्क पाउडर डालते हो तो इसमें काफ़ी लम्स दिखाई देते हैं, लेकिन अब इसमें एक भी लम्स नहीं है। देखिए, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं है। तो यह बिल्कुल मिठाई की कंडीशन में आ चुका है, तो मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी कंडीशन में मैं अपनी एक प्लेट पर चिकनाई लगाऊंगी थोड़ी सी, और इसे एक साइड में एक प्लेट में निकाल लूँगी। आप चाहो तो इसे और टाइट भी कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ही रख रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह ठंडा हो चुका है। अब इसमें से मैं 1/2 निकाल के एक साइड में रख दूँगी। तो देखिए, मैंने ये 1/2 निकाल के इसमें से एक साइड में रख दिया है, और जो ये बाकी का बचा हुआ है इसमें मैं डालूँगी अपना चॉकलेट पाउडर। ये बच्चों को काफ़ी पसंद रहता है, और इसी का मैं इसमें फ्लेवर देने जा रही हूँ। ये हर्शेस का चॉकलेट पाउडर है, वो मैंने इसमें बड़ा 1 चम्मच डाल दिया है। देखिए, इस प्रकार इसका चॉकलेट फ्लेवर देंगे हम। आप चाहो तो अपनी गैस को चलाकर भी इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हो, लेकिन यह इस प्रकार भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार इसको चॉकलेट वाला फ्लेवर देना पसंद करेंगे। अगर ये आपको कम लगे तो थोड़ा सा और डाल लीजिएगा इसमें। तो मैं चम्मच से इसमें थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। यह बिल्कुल चॉकलेट कलर का हो चुका है, आप देख सकते हो। इसे मैं एक साइड में इसी में रख लेती हूँ, और अपनी कढ़ाई को भी
एक तरफ कर देती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें दो कलर कर लिए हैं, एक ये चॉकलेट वाला और एक वाइट वाला। तो इसी में से मैं वाइट का छोटा सा एक बोल लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे कि अभी आपसे बताया कि आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हो या कुछ भी, जिस तरीके से मैं बोलूँ आप उस प्रकार बना सकते हो। तो देखिए चॉपर लिया हुआ मैंने, चॉपर की सहायता से मैं इसे बनाऊँगी। तो इस पे बनाने से पहले मैं इसे थोड़ा सा चिकना कर लेती हूँ ताकि नीचे की तरफ चिपके नहीं। यह जो मैंने रोल्स लिया हुआ है इसे एक जैसा मैं चारों तरफ से कर लूँ, लंबा मोटा जिस प्रकार भी आप बनाना चाहो उस प्रकार इसे बना सकते हो। अभी यह थोड़ा गर्म है तो इसलिए थोड़ा सा पतला है, तो इस प्रकार इसका ये रोल्स बना कर रख देती हूँ। और अब हम लेंगे चॉकलेट फ्लेवर, ठंडा होने के बाद तो ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। तो इसे मैं एक साइड में रख देती हूँ। देखिए अब हमने जो चॉकलेट फ्लेवर बनाया था वो भी ले लेती हूँ, वो भी इसी के ऊपर इसी प्रकार इसे फैला लूँगी। हमने दो रोल्स बना लिए हैं और दोनों को अब मैं इकट्ठा इस प्रकार कर लूँगी। तो इसमें से हाफ मैं काट के रख देती हूँ, इसे मैंने एक साइड में रख दिया है। और जो ये दूसरे वाला है इसे इस तरह है इसे इसी प्रकार घुमा घुमा के इसे शेप दे लूँगी। देखिए आप देख सकते हो दिखने में भी कितनी प्यारी और कितनी अच्छी दिख रही है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे और इस प्रकार इसे बना के इसे प्लेट में या फिर किसी भी ट्रे में रख सकते हो। तो देखिए मैंने ये वाइट कलर के जो ट्रे ली हुई है, प्लेट ली हुई, उसी में मैं इसे एक एक करके रखती जाऊँ। देखिए आप देख सकते हो हमारी मिठाई कितनी बढ़िया और कितनी गजब की बन रही है। तो एक एक करके आपको सभी को इसी प्रकार रोल्स बनाकर रख देना है, क्योंकि अभी ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो धीरे धीरे आप सभी को इस प्रकार बना के रख देंगे। तो अब ये मैंने दूसरा भी पार्ट लिया हुआ है, देखिए सभी को मैं इसी प्रकार इसमें रखती जाऊँगी। फ्रेंड्स इससे इसकी शेप तो अच्छी आती है, साथ में इसे बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं और खाने में बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी प्रकार मैंने सभी को इसी प्रकार कट कर लिया है, छोटे बड़े जिस तरह की आप इसकी शेप देना चाहो वैसी दे सकते हो। देखिए कितनी लाजवाब और कितनी प्यारी लग रही है, आप हमारी प्लेट में देख रहे होंगे ये कलरफुल और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब जो दूसरा रोल्स था उसका भी मैं इसी प्रकार इसे बना लूँगी। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जब भी आप इसे बनाओ तो इस तरह एक तरफ से इसे रोल करते रहिए और फिर इसकी कटिंग कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार, और फिर अपने हाथों से इसे इस तरह घुमा दीजिएगा। देखिए इसी प्रकार सभी यह मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाएंगी, दिखने में भी अच्छी दिखेंगी और खाने में भी बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं ये। फ्रेंड्स जो ये रोल्स दूसरा भी है इसे भी मैं इसी तरह घुमा कर ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कितना प्यारा और कितना अच्छा लग रहा है, आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। डिज़ाइन आपका आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं जैसा भी आप डिज़ाइन चाहो, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर मैंने इसके अंदर मिला ही दिया है जैसे कि आप देख रहे हो। देखिए यह बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा यूनिक डिज़ाइन लग रहा है। तो फ्रेंड्स दोबारा भी मैं इसी प्रकार अपना रोल से लूँगी और सभी मिठाइयों को इसी प्रकार बना लूँगी। तो देखिए यह छोटा सा रोल्स है, बिल्कुल मीडियम रखा हुआ हमने, ना ज़्यादा बड़ा और ना ज़्यादा छोटा। और दूसरी तरफ वाइट कलर का भी ऐसे ही रोल ले लूँगी, इसे मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और तब तक इसे अच्छे से गोलाई में बढ़ा लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इक्विल है और अब दोनों को इस तरह मिक्स करके तब इसे हम बढ़ा लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको इसी तरह से डबल कर लेना है, दिखने में भी इसका कलर लाजवाब दिखेगा और यह है खाने में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जैसे कि देखिए अभी ये मेरा थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं इसे एक साइड में रख ही देती हूँ, क्योंकि हमें ये जो रोल बनाना है वो थोड़ा बड़ा बनाना है। तो देखिए आप इस तरह से फैलाते जाइए
और इसका इस प्रकार करके इसे टू पीसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह कितनी लाजवाब और कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। जितनी दिखने में अच्छी दिख रही है उतनी खाने में भी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुई है। जितने आप इसे गोलाई में फैलाओगे उतना ही इसका कलर अच्छा होता चला जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स सभी को मैं इसी प्रकार बना बना के रख लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा बनाना खाना पसंद करते हो और किस प्रकार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स सभी मैंने इसी प्रकार बना बना के इसमें रख लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब और कितनी अच्छी दिख रही है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी इसे। तो देखिए मैंने प्लेट भरकर इसे बना लिया है। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं इन्हें इसमें सर्व करूंगी। ये थोड़ी टाइट भी हो चुकी है और काफ़ी अच्छी हो चुकी है पहले से। पहले ये काफ़ी सॉफ्ट थी जब मैंने बनाया इसे। इस प्रकार मैं एक एक करके सभी इसमें सर्व कर लूँगी। फ्रेंड्स ये कलरफुल मिठाई बच्चों को बहुत पसंद रहती है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी रहती है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यह दिखने में कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही ईजी तरीके से बनकर तैयार होती है। जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि आपको इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं होती। बस मिल्क पाउडर और चॉकलेट पाउडर से यह मिठाइयाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। कितनी बढ़िया और कितनी प्यारी लग रही हैं ये। और फ्रेंड्स अब मैं इसकी थोड़ी सी गार्निश के लिए इसके ऊपर लगाऊंगी अपना चांदी का वर्क। ये बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ता है क्योंकि यह चारों तरफ चिपक जाता है। आप देख सकते हो दिखने में कितनी प्यारी और कितनी अच्छी लग रही है। ये ऑप्शनल अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगली एक न्यू रेसिपी साथ से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। तो देखिए मैं आपको एक मिठाई में से तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया बनी हुई है। देखिए अंदर से भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप एक बार इन्हें ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, ये आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपके बच्चे बार बार इन्हें ही बनाने के लिए बोलेंगे।